You know, we have always seen you on TV and like meeting you was like, it's fabulous. कहाँ है गाड़ी तेरी? मेरी गाड़ी अभी दिल्ली खड़ी है. आग अभी आई है क्या पहले से? मैं खरीद लिया मैंने पहले से खरीद कर रखी है अभी दिल्ली है. तो चला था कहाँ? You guys made me this कि आज मैं जो सपने लगते थे ना उन सपनों को अचीव कर पा रहा हूँ. लास्ट में बल्बसार दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको. इतना बैक कर रहा था ना. मोटो व्लॉग्स भी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे गाइस. ओके बॉयज, आई एम गोना बी मीटिंग हार्दिक भाई टुडे एंड हम लोगों ने बचपन से आईपीएल टीवी पे देखा है. सो डेफिनेटली वॉच आईपीएल ऑन टीवी इन कोलैबोरेशन विद स्टार स्पोर्ट्स इंडिया. ओके बॉयज, फाइनली हम लोग हार्दिक भाई के साथ पहुंच चुके हैं कार में. हार्दिक भाई, वेलकम टू द व्लॉग. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड. हार्दिक भाई बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा वो फैन बॉय वाली फीलिंग है. यू नो, वी हैव ऑलवेज सीन यू ऑन टीवी एंड लाइक मीटिंग यू वाज लाइक, इट्स फैबुलस. सो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन करने वाले गाइज. अभी हम लोग कार में एक शॉर्ट ड्राइव के लिए डाल रहे हैं. हार्दिक भाई, आई हैव नोन योर स्टोरी कमिंग अप फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, यू नो, कमिंग फ्रॉम लाइक small town place and reaching these heights, how was the experience? मतलब कैसी पूरी journey रही? Tell us your audience. See, journey तो बहुत ही बढ़िया रही है. बहुत कुछ life में सीखने मिला है और इसके वजह से I always believe that if I can do it, everyone can do it. So for me सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो बोलते ना सीख मिली है पूरे life में constant हमेशा is because of this journey. Has been wonderful, brother. And बहुत सारे लोग ना like how I could relate it to you, like you know, because हम लोग एक middle class family से हैं, right? Coming up from that family, coming up from small town, you know, आपको एक बहुत लंबा period of struggle करना पड़ता है. And once you achieve it, a lot of people look forward to you. So what, like what do you really want to say those people who are really looking forward for you? बहुत सारे लोगों का aspiration है to be a cricketer and to be like anything profession wise. See, the only thing is that be honest. Hard, if you want to work hard, you need to work hard with a lot of honesty. अगर आप वो चीज़ कर पाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. और एक 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 सबसे बड़ी चीज़ वो है कि अगर आप में अगर जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता. मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो, मैं नहीं रोक सकता. सो लाइफ में मुझे हज़ार जन ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया. अगर आप में है जुनून और मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती. लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है आपको उसमें. सो मेरा मानना हमेशा है मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है. Amazing, coming up from him is already amazing. ये सब चीज़ों के बारे में तो लाइक लोगों को पता है, बट वन थिंग जो आपके फैंस को नहीं पता, वो ऐसी कोई ऐसी कौन सी चीज़ है जो हार्दिक पांड्या फैंस को नहीं पता? कि मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाता. ओके. मैं हमेशा मैं होम बॉय हूँ, घर पे रहता हूँ. मैं पिछले तीन चार साल में ना मैं कभी बाहर गया हूँ. कभी गया हूँ तो कोई दोस्त का कुछ हुआ है और मैं अवॉइड नहीं कर सकता इसलिए. और दैट्स इट. कभी मैं या बार बार निकलता नहीं हूँ, घर में पूरा टाइम रहता हूँ. मैं तीन एक एक बार मैं 50 दिन घर पे था नॉन स्टॉप, जहाँ मैंने घर की लिफ्ट नहीं देखी है. सो दैट्स मी. मतलब 50 दिन क्या कर रहे थे आप घर पे? कुछ तो ट्रेनिंग, घर पे बैठ के. मेरे पास खुद का घर का जिम है, खुद में होम थिएटर है. तो जो मुझे जो चीजें पसंद है मेरे घर के अंदर है. ओके. सो मैं वो चीज घर के अंदर बैठ के करता हूँ. मुझे मेरी फैमिली पसंद है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है. और जो भी लोग होते हैं मेरे दोस्त या कोई भी चाहने वाले या कोई भी मेरे मैनेजर या कोई, वो सब मुझे घर पे मिलते हैं. सो आई डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ माय हाउस टू डू एनीथिंग. अमेजिंग. एक चीज और हार्दिक भाई, आपके टैटूज देखे मैंने. आई एम आल्सो लाइक यू नो अ टैटू फ्रीक. आई हैव गॉट लाइक अ लॉट ऑफ टैटूज. कैन यू होल्ड दैट अप? यस. I've got a lot of tattoos. अरे वाह, colorful है तेरा तो. मेरे skin पे नहीं दिखेंगे colorful. आपने सारे black ही करा रखे हैं. Like so, is there? वही दिखेगा, वही दिखेंगे ना, दूसरे color दिखेगा. So is there any specific like कोई tattoo की specific story which you want to share? ये मैंने बनाया था जब मैंने IPL खेला था, World Cup खेला था, that before the Bangladesh game के एक ही दिन या दो दिन पहले ही बनाया था. क्योंकि this shows that in life time heals everything. I come from wherever I come from life mein mehnat aur samay nahi change kiya, so ye mere liye bahut special hai. And obviously I have a tattoo on my shoulder which is Agastya's and my original photo which I got it and asked my tattoo artist to copy it and exactly got it done. And so, he did it the right way. Absolutely. क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैंने एक मेरा ये पॉकेट मैंने बताया, ये मैंने इधर भी करवाया था एक वॉरियर, वो बेचारा वॉरियर से ज्यादा बेचारा गरीब कोई सैनिक लग रहा था. तो मैंने बोला इसको बढ़िया वॉरियर वाला. मैंने ना ये पोकेमॉन सीरीज करवाई थी इस साइड पे. सो
वो बल्बासोर को ना उसने बुल्बासोर बना दिया था, इतना वैक था। यू कैन सी दैट लास्ट में बल्बासोर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसने ना इतना वैक करा था ना। एंड आपको पता है कभी कभी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर टाटू खराब हो जाते हैं। हार्दिक भाई के साथ भी ये चीज हुई है। वो है मेरा तो मिट गया है, इधर ये मिट गया है मेरा। ये कितना पुराना था? ये 2019 का है। ओके ये मेरा सबसे पहला टैटू था 2018 एंड लुक एट द इंक, इट्स लाइक मेरा 2016 में था पहला। एक चीज ना हमारी ऑडियंस आपसे ना बहुत स्पेसिफिकली पूछ रही थी, आपको पता है हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं राइट, और वो फर्स्ट बॉल पे अगर आउट हो जाता है कोई तो फिर वो ट्राई बॉल वाला सीन रहता है या बाकी प्लेयर्स के साथ ही चीजें, फर्स्ट बॉल पे आउट वाला रूल, वहां पर नॉट आउट वाला चलता नहीं चलता है। हम लोग खेलते ही नहीं है ना, थोड़ी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते, कहाँ से खेलेंगे बताइए। सवाल का मैं जवाब दूँ कैसे? मैं इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहा हूँ, जब वहाँ पर आप खेलते होंगे तो फिर यू नो कभी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? प्रैक्टिस में ना ही नहीं, ये सब काम वो लेवल पे काम ये सब बस हाँ चलती है। और वहाँ तो कहाँ टीवी होता है, वहाँ बोले आउट होने का नहीं नहीं मेरे हंसेंगे लोग, बात तो ये होता रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ मैं और कृणाल जब घर पे खेलते हैं तब होता है के तब वो ही होता है, मैं वो क्रेपी को लगता है मैं चीटर हूँ, उसको लगता है वो चीटर है। मैं हालांकि बिल्कुल ही नहीं हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट मैन हूँ, मैं चीटिंग नहीं करता। वी न्यू इट फ्रॉम हिम गाइस। रेस्ट हार्दिक भाई, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो सबसे फनी हो यू नो आपकी लाइफ का, देन यू वर प्लेइंग विद द टीम, सो कोई से भी ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट याद है आपको जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? फनी इंसिडेंट कुछ नहीं, मैं पहले जब मैन ऑफ द मैच बना था IPL में तो मुझे लगा मैन ऑफ द मैच के जो पैसे मिलते हैं पूरे पैसे मिलते हैं, तो मुझे 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था और 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का मैन ऑफ द मैच का कुछ जो भी अमाउंट था मुझे लगा वो मेरे पैसे। फिर पता चला साला कि पैसे तो टीम में बट जाते हैं तो मेरी 15 लाख से वापिस 11 लाख पे आ गई क्योंकि वो टीम में पूरे पैसे बट जाते हैं। ओके मतलब ये मेरे को भी ऐसे लगता था जो मैन ऑफ द मैच सपोज यार मैन ऑफ द मैच वो पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि इट्स अ टीम स्पोर्ट। ओके इंडिविजुअली अगर कोई जीता पाता तो खेल ले अकेले, फॉर रियलिटी में पॉसिबल नहीं। ट्रू। हम लोग एक रैपिड फायर राउंड अप क्वेश्चन आयर करने वाले हैं हार्दिक भाई के साथ। हार्दिक भाई जब भी आप गेम में रहते हो या फिर गेम स्टार्ट होने वाला होता है तो विच इज द चिल अप सॉन्ग दैट यू हेयर इट टू एंड बूस्ट अप सॉन्ग, मतलब व्हाट इज योर, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ हम लोग म्यूजिक इज Anything? I just like deep house. I just like black coffee. So मैं black coffee सुनता हूँ, ऐसा कुछ black coffee हो गया मेरा change होता है, मुझे Bob Marley बहुत पसंद है, so मैं उनके song सुनता हूँ कभी, मतलब change होते रहते हैं time to time. मेरा music taste is does not last more than 3 महीना. 3 महीने में कुछ नया artist आ ही जाता है, वो सिर्फ introduce कराने वाला होना चाहिए कोई. Okay cool. So you should listen to Kalam Mink. That like you know you will find him a lot relatable to you. अच्छा? That's my suggestion. Do you बाकी? कौन सी language में गाता है? हिंदी rap. पहाड़ से उत्तराखंड से तो यू शुड कम टू उत्तराखंड एनी टाइम, यू विल फाइंड पीस देयर आल्सो, आई नो जिन्हें पता है उन्हें पता है गाइस। देन वी हैव गॉट बॉलीवुड और हॉलीवुड। बॉलीवुड। वन बॉलर फ्रॉम द पास्ट विच यू कुड हैव फेस्ड। वन बॉलर विच पास्ट नो वन भाई। ओके वाओ। खतरनाक थे कुछ तो जैसे शोएब अख्तर, शेन वॉन, विश क्यों करना वो बेचारे बड़े स्किल सेट में बड़े आ गए तो मुझे और मेहनत करनी पड़ती। So I don't wish to face anyone from the past. So one quick message for MI fans, because मैं आपको personally बता देता हूँ, I'm a big fan of Mumbai Indians. मतलब मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, जिन्हें पता है उन्हें पता है, मेरे fans को already पता है कि from the starting मैंने MI को support करा and setting up with you, setting up with the like the player who's gonna represent MI in this season. So any message to your fans, MI fans? Just keep supporting. बहुत देर सारा प्यार दो, पूरी कोशिश करेंगे आप सबको एंटरटेन करें और एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, एंड या इट विल बी एक्साइटिंग योर एज एवरीवन नोस। कूल गाइस, बाकी एक चीज़ के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। हार्दिक भाई आप तो आपके पास तो ऑलरेडी सुपर कार्स हैं, बट रिसेंटली आई एम अ बेसिकली मोटर व्लॉगर, मेरे पास सुपर बाइक्स हैं। लवली, व्हाट इज सुपर कार्स? सुपर कार्स इज लाइक V6 V8 V8 इंजन, सो यू ऑलरेडी हैव द लैम्बोर्गिनी। नो आई डोंट, वो लोग ने मुझे भेजा था टेस्ट ड्राइव के लिए, वो पता नहीं वो क्या बोलते हैं फोटो मीडिया में वायरल हो गया था कि इट वाज योर कार राइट, मीडिया में कमेंट करता नहीं हूं तो मैंने कभी किया नहीं और ना मेरे को फर्क। गाइस अभी तो हम लोग हार्दिक भाई के साथ
किसी और गाड़ी में, बट विश दैट्स माई ड्रीम कि एक दिन मैं आपको अपनी गाड़ी में, आपको दी लैम्बोर्गिनी, यू नो द LP580. आई लाइक SUVs विद बिग इंजन, बस यही V8s, एनी V8s, बिकॉज़ मेरे से नीचे बहुत यार, हां मतलब वो सुपर कार्स वैसे भी लो डाउन रहती है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बट स्टिल मैं SUV बनता हूं भाई. चलो मैं कभी फ्यूचर में कभी सुपर कार SUV खरीदूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली. कहां है गाड़ी तेरी? मेरी गाड़ी अभी दिल्ली खड़ी है. आग अभी आई है कि पहले से? मैं खरीद लिया, मैंने पहले से खरीद करके अभी दिल्ली है. तो चला था कहां है? मतलब मैं उत्तराखंड में ही रहता हूँ, तो हम लोग राइड्स के लिए जाते हैं बॉम्बे उत्तराखंड. अभी हम लोग थर्ड डे बट डे कैसे मैनेज? सो LP580 में लिफ्ट सिस्टम है. सो लिफ्ट क्या थी? 5 CR. अच्छा. सो लिफ्ट सिस्टम में रहता है कि गड्ढे पास हो जाते हैं, एक्सट्रीम नहीं कर पाते, बट देन सो बट यू हैव टू स्टिल ड्राइव स्लो. नो हां यार, आई ड्राइव स्लो. इसके अंदर ड्राइव स्लो करना पड़ता है ये सब एरियाज में ना, क्योंकि यहां तो आप कर ही नहीं सकते ना, लाइक कहां चलाओगे आप? इंडिया में रोड्स का थोड़ा सा इशू है, बट इसलिए एसयूवी लेना. डन. आपने बोल दिया वी आर गोना गेट दी ओरिस. गाइस कमिंग इट फ्रॉम हार्दिक भाई, ब्रो सेना यू ऑलरेडी नो अब एसयूवीज बॉस, एसयूवीज. चलो टेस्ट ऊपर से दूधिया देखो. मेरा मतलब मेरा टेस्ट एक्चुअली सुपर कार्स में लो डाउन सेगमेंट्स का ही था, बट नाउ एसयूवी ट्राई करेंगे. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैंने एसयूवी ज्यादा चलाई नहीं है, मेरे को फील नहीं आती. क्या बात करता है? मतलब मेरे को उसमें फील नहीं आती, मेरे को वो दुनिया ऊपर से भी देख बढ़िया. अब आपसे मिल गया तो दुनिया ऊपर से जरूर देखूंगा. बाकी हार्दिक भाई, my community is called Brosena, so like Brosenas. Thank you Brosenas for having me. It has been a pleasure. Thank you brother. मैंने literally like मैंने नहीं सोचा था इतना interesting conversation होगा, one shot one cut. But Hardik bhai, you are a good person. बहुत अच्छा लगा, like really really felt happy meeting you. Pleasure buddy, pleasure. Good, very happy for you. Okay Hardik bhai, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारा प्यार आपको. Please take care. And Mumbai, good luck. Trophy अपने पास है ना? बिल्कुल. That's a bro promise, right? मुंबई इंडियंस फैंस ट्रॉफी हमारे पास. ब्रो फिस्ट नहीं छोड़ो. ब्रो फिस्ट. टेक केयर हार्दिक भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. बाय बाय, टेक केयर. कालो किस मारली माई बांधे कोरी बाना हिमलाई हृदय रैली माई बीताऊंगा जीवन. ओके बॉयज, फाइनली हार्दिक भाई के साथ शूट करके हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में. क्या मजा आया अली भाई, व्हाट क्या मजा आया, क्या मजा आया सही में. इतना हेक्टिक शेड्यूल था हमारा गाइस, बट दिस वॉज एन अमेजिंग डे. एंड एक चीज की और अनाउंसमेंट कर ही देते हैं गाइज, हम लोग साउथ के एक बहुत बड़े हीरो के साथ एक TV ऐड कर रहे हैं. मेरे को था वेट बताने का, बट हेयर वर ऑल 3-4 थिंग्स. एक और चीज बची है, वो अली भाई आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, बिकॉज अली भाई जा रहे हैं दुबई. गाइज इतने सटल प्लान्स हो रहे हैं ना, बट यू विल बी हैप्पी कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर लिए. इतनी सारी चीज़ें, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू टू ऑल ब्रोसेना मेंबर. मैं बस आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, थैंक यू सो मच. शायद आज मैं जो कुछ भी कर पाऊँ, जो कुछ भी पहुँच पाऊँ, वो सब कुछ मैं आप लोगों के कारण पहुँच पाऊँ. मतलब थैंक यू, मैं दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ हर एक इंसान को जिसने, जो मेरी वीडियोस देखता है, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है. यू गाइस मेड मी दिस कि आज मैं जो सपने लगते थे ना, उन सपनों को अचीव कर पा रहा हूँ. आई नेवर थॉट ऑफ दिस कि मैं लाइफ में कभी इतना सब कुछ अचीव कर पाऊंगा. एक TV शो करूंगा, इतने बड़े क्रिकेटर से मिलूंगा, एंड साउथ के एक बहुत बड़े हीरो से. नाटू कॉमेंट सेक्शन में गेस करना गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें. एंड इसके बाद दुबई फ्लाई करना है गाइस, सुपर कार्स के लिए. सुपर कार्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो सुपर कार्स हैं, MK4 और एक मैक्लारेन. अमीर बातचीत वो इंस्टाग्राम पे जब आता है ना अचीवमेंट अनलॉक, चिचिंग ऐसा होगा. एंड ये सब कुछ आप लोगों के कारण पॉसिबल हो पा रहा है ब्रोसेना. पर्सनली थैंक यू ब्रोसेना, व्हेनेवर आई कम टू इंडिया बहुत प्यार मिलता है. बहुत अली भाई को भी बहुत प्यार मिलता है. एंड ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ क्यों अचीव कर पा रहे हैं हम लोग, बिकॉज दिल साफ रखोगे ना तो भगवान हर एक चीज अचीव करके देगा आपको. एंड हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, दैट इज वाई भगवान जी इतना सब कुछ दे रहे हैं हम लोगों को, ऊपर वाला इतना सब कुछ दे रहा है. बाकी व्यू सब्सक्राइबर सब लोग कमा लेते हैं, बट इतने लोग प्यार करते हैं ना बॉम्बे में भाई, कांट टेल यू अली भाई क्या सीन रहते ना. आज इतने लोग मिले भाई, लोग बोल रहे जो भी हुआ आपके साथ, लाइक इट वॉज नॉट वेल बिग बॉस में, लाइक वो भी व्लॉग में डाल देंगे. और एंड इट वॉज लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज, एंड लाइक बहुत सारा प्यार मिलता है बॉम्बे में जब भी आते हैं. लाइक दिस इज माई सेकेंड ईयर इन इंडिया. इमेजिन अभी तो अली भाई ने लंबी ट्रिप के लिए आने का, बिकॉज 50 लाख वाली गिव अवे जल्दी अनाउंस होने वाली है, एंड पूरा एक रोड मैप प्लान हो रहा है उसके लिए मोटो व्लॉग्स के साथ. बोल रहे थे लोग कि बाबू भैया मोटो व्लॉग्स, तो मोटो व्लॉग्स भी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे गाइस. क्या मैं नई डुकाटी चलाऊंगा क्या अली भाई को डुकाटी से दूर रखूंगा, H2 की तरह ना गिरा दें. जस्ट किडिंग गाइस,
ऑल बाइक्स विद देम. फिलहाल के लिए सो रहे हैं गाइस. अली भाई कल सुबह दुबई निकल रहे हैं क्योंकि दुबई के सीन भी सॉर्ट करने हैं. सुपर इन्होंने देखी है MK4. अली भाई कल आप दुबई पहुंच करके वो सॉर्ट कर देना, ठीक है? Yes. वहां से वीडियो भेजना सुपरा की फुल पावर. मैं इसलिए अली भाई को भेज रहा हूँ गाइस. अली भाई पहले मेरे साथ देहरादून जा रहे थे, बट अली भाई जब तक दुबई पहुंचेंगे ना तब तक सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगे. मेरे भी ये शूट शार्ट्स निपट जाएंगे. मैं भी कल घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 दिन का ब्रेक मिला है. इतने दिन हो गए हैं घर नहीं गए हूँ, तो सोच रहा हूँ घर वालों से भी मिल लेता हूँ. बाकी उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ. सो यार ये ब्लॉग तो खत्म हो गया, लेकिन भूलना मत डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने ग्रुप का लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम के, चाहो जा करके ज्वाइन कर लेना गाइस. 50L का गिव अवे चल रहा है, जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बट जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन कर लेना. हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग फॉर यू देयर. ज्वाइन नाउ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन.